2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत में रोज नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं। यहां भाजपा और जदयू के रिश्तों को लेकर रोज नए नए दावे किए जा रहे हैं। इस बीच जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि केंद्रीय कैबिनेट का जदयू हिस्सा नहीं होगी। यह फैसला हमने 2019 में ही ले लिया था और हम इस पर आज भी काबिज हैं। उन्होंने कहा कि जदयू को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की क्या जरूरत है। 2019 में ही आम सहमति पर पहुंचने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया था कि हम केंद्र सरकार में शामिल नहीं होंगे और हम इसके साथ काफी मजबूती से खड़े हैं। नीतीश कुमार के व्यक्तित्व को धूमिल करने की साजिश थी। ऐसे में सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा अब शुरू हो गई है कि जदयू भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है। जदयू ने एनडीए गठबंधन में जदयू के लिए 2 सीटें मांगी थी। इस पर भाजपा आलाकमान राजी नहीं हुआ। इस वजह से नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल से बाहर रहने का फैसला किया है। आरसीपी सिंह पर भी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जदयू डूबता जहाज नहीं है, ये एक तैरता हुआ जहाज है। कुछ लोग इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग उस जहाज में छेद करना चाहते हैं। वहीं नीतीश कुमार ने उन लोगों की पहचान भी कर ली है जो इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। इसे सुधारने के लिए ही कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पूरी पार्टी नीतीश कुमार जी की आभारी है कि उन्होंने ऐसे लोगों को पहचान लिया। हमने पहले भी कहा है कि नीतीश कुमार जी की संख्या जो 43 पर आ गई वो जनाधार की वजह से नहीं बल्कि उनके खिलाफ हुई इस षड्यंत्र की वजह से हुई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश थी और इसीलिए हमने विधानसभा में केवल 43 सीटें जीती, लेकिन अब हम सतर्क हैं। 2020 के चुनाव में एक मॉडल चिराग पासवान के नाम से सामने आया जबकि दूसरा वर्तमान में बनाया जा रहा है। बिहार में बीजेपी जदयू के बीच चल रही जुबानी जंग और तरह तरह की अटकलों के बीच बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी बिहार में एकला चलो की नीति पर तैयारी कर रही है। इसके बाद से आशंका ये जताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव 2024 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 भाजपा अपनी सहयोगी जदयू से अलग होकर चुनाव लड़ सकती है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भाजपा और जदयू दोनों अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बिहार में खड़ा होना चाहती है, लेकिन इस पर कुछ खुलकर नहीं बोल रही है। ये सवाल अब राजनीतिक गलियारे से बाहर निकलकर आम लोगों के बीच भी पहुंच गया है। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।